एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ और ये एक और आ गए। वाह 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 जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन कि हम सभी कोविड को क्रॉस करके आज हम सभी फिलहाल शूट पर आ चुके हैं। तो कितना मिस किया पिछले छह महीनों में या जितने भी दिन थे? अरे यार बहुत मिस किया, क्योंकि हम लोगों को क्या है कि आदत हो जाती है ना रोज शूटिंग करने की, रोज काम करने की, और सडनली इतना आराम दे देंगे तो एक दिन आराम कर लिया चलेगा, दो दिन आराम कर लिया चलेगा, महीना हो गया, दो महीना हो गया, आदमी तंग हो गया कि भाई काम शुरू करो, कुछ तो करो, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। तो फाइनली काम शुरू हो गया और फाइनली हम सब काम कर रहे हैं। ऑल दो हम लोग सेम स्ट्रेंथ से काम नहीं कर रहे हैं, 33% ही अलाउड है, तो कम लोग हैं, मगर सबकी भलाई है, तो काम शुरू हो गया, इस बात की खुशी है। जी जी, ऑन लोकेशन के मौके पर हम सभी यहाँ पर हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बताइए कि काफी शूट मूड पे है, लेकिन फिल्म है काफी सस्पेंस थ्रिलर वाली है। बिल्कुल। और आपका अंदाज काफी रोमांटिक दिख रहा है, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आई थिंक रोमांस करके आप किल करने वाले, आप बताइए। अरे देखो जी, रोमांस करते तो सामने वाला तो ऑलरेडी किल हो ही जाता है, तो फिर किल करने की जरूरत क्या है। खैर ये शतरंज फिल्म है जिसे वो जो एक थ्रिलर है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। अभी मैं एक भी बोलूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैंने स्टोरी दे दी, बट जैसे शतरंज की चाल में होता है कि एक चाल चलते हैं तो सामने वाले का एक प्यादा मात खाता है, फिर वो एक को मात करता है, तो ऐसे वन अप करके कोई एक जीतता है, और वो कौन जीतता है वो है ये शतरंज। अगर मैं आपसे बात करूँ कि पिछले जरूरी हो जाता है, जैसे कि हाल ही में बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, अभी कुछ नाम आने वाले हैं। देखिए क्या है कि बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं लेकिन कुछ प्रूव हुआ नहीं है, और मेरा मानना यह है कि अगर कोई एक बोलेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ड्रग्स हैं, तो आई डोंट थिंक ऐसा है। सब जानते हैं कि एक जगह पे ही नहीं है, हर जगह पे है। हम देखते हैं इतने सारे जो ये जो कॉल सेंटर वाले बच्चे होते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, आते जाते आपने देखा होगा, दे आर स्मोकिंग, आई डोंट नो व्हाट दे आर स्मोकिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग। ये अभी जब तक प्रूव नहीं हो जाता, जब तक पूरी तरह से पता नहीं चल जाता, हम कैसे बोल सकते हैं। आई मीन हम लोग ना सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा इसने किया होगा तो ये भी ऐसा करता है, इसने इसको किया होगा तो इसने इसको मार दिया होगा, तो इसने ऐसा हुआ होगा। जो है तफ्तीश चल रही है, जो भी चीज़ हो रही है सामने आने दो। आई एम श्योर एवरीबडी इज वेटिंग फॉर दैट ओनली कि भाई क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, तो जल्दी सामने आए उसके बाद हम उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छा ऐसा हुआ। पहले अज्यूम कर लेंगे तो फिर बिग बॉस आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है, लोग वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने जितने सब OTT प्लेटफॉर्म पे जितने वेब सीरीज थे सब देख लिए, जितने OTT प्लेटफॉर्म थे सबके सब्सक्रिप्शन दे लिए, अब IPL भी बड़े प्यार से देख रहे हैं, और आई एम श्योर बिग बॉस भी बहुत प्यार से देखेंगे। जी जी, आपके अंदाज में अभी देखिए क्या है कि कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम अभी मुझे जस्ट पता चले आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, राधेमा जी हैं और रुबीना है, ये दो तीन लोगों के नाम मुझे पता चले। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बात यह है कि जब शुरू हो जाएगा ना तब हम कुछ बोल सकते हैं कि अच्छा इसकी गेम ये है, या अच्छा ये ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं, बट अभी कैसे बोल सकते हैं। अभी तो सिर्फ यही बोल सकते हैं कि ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितना आसान आप समझते हैं उतना आसान है नहीं। जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि शूटिंग इन सारी चीज़ों के साथ साथ में एक जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो भी चल रहा है, वहाँ पर भी अगर लोगों को प्यार मिल रहा है, तो इन दिनों हम देख रहे हैं ढेर सारी गालियाँ भी बहुत सारे एक्टर को मिल रही है, आप देख ही रहेंगे। जी जी बिल्कुल। बातें हो रही है कि सलमान खान को बिग बॉस मतलब हम बायकॉट करेंगे, उनके बिग बॉस नहीं देखेंगे, इन सारे सोशल मीडिया के ऐसे कमेंट से बिग बॉस पर एज एन एक्टर आप मानते हैं कि कुछ असर पड़ने वाला है? कुछ मुझे नहीं लगता है, जितने लोग बिग बॉस को पसंद करते हैं, देखिए क्या होता है कि अगर कुछ चीज़ होती है तो उसके दो साइड होते हैं, एक होता है जो पसंद करता है, एक होता है जो पसंद नहीं करता है। तो जो पसंद करते हैं आई बिलीव इतने सारे हैं और इतने स्ट्रांग हैं, और उनके
वजह से और उनके लिए, आई एम श्योर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिग बॉस कुछ चीज़ अच्छी होती है तो लोग दोनों बात करते हैं, अच्छा भी है, अच्छे वाले भी होते हैं और बुरे वाले भी होते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कौन जीतता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बिग बॉस पसंद करते हैं, जो सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, वो अभी भी फॉलो करेंगे, भले चाहे वो लोगों को बोले मैं नहीं देखता या नहीं देखती, लेकिन वो देखेंगे जरूर। चल जाते आते शतरंज का वो कौन सा टिक्का आप चलने वाले हैं जो सिनेमा घरों में जल्द ही धमाका करने वाले? ये हमारी पूरी कोशिश है कि अब सिनेमा घर शुरू होने वाले हैं बहुत जल्द। 15 अक्टूबर से आई थिंक परमिशन मिल रही है, मिल गई है इनफैक्ट, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, 50% कैपेसिटी के साथ। तो हमारी पूरी ये कोशिश है कि जब फिल्में रिलीज हों तो उसमें हमारी भी एक फिल्म हो, तो उसी तरह से हम लगे हुए हैं कि जल्दी इसको कंप्लीट करें और फटाफट पोस्ट करके इसको रिलीज़ करें। शतरंज नाम है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि शतरंज मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ है। 19-20 जब मुझे भी स्टोरी पता चली तो मैं भी धक्का बक्का रह गया कि ये कैसे हो सकता है। बट वही है कि डायरेक्टर ने बेस्ट चीज़ ये की कि दुष्यंत जी हमारे डायरेक्टर, उन्होंने मुझे एंड नहीं बताया, बोला एंड मैं आपको वहीं जब आप करोगे तब बताऊंगा। तो थैंक यू, एंड ही मेन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड, थैंक यू।